हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक पांडे, आप देख रहे हैं बीके ज्ञान। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों अभी आपने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली में शराब के जो ठेके हैं खोले गए हैं, और पानीपत और नैनीताल से बहुत सारी ऐसी वीडियो निकल के आ रही हैं जहाँ पे जैसे ही शराब के ठेके खोले गए वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए एकदम से उमड़ पड़े, एक के ऊपर एक एकदम शराब को ऐसे लेने लगे जैसे कोटे का चावल हो गया। शहर रीवा में भी शराब के ठेके खोले गए हैं, तो चलिए आपको रीवा की तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ की वीडियो दिखाते हैं कि क्या नज़ारा निकल के आता है। और दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, मैंने एक पुलिस वाले से बात की थी तो उसने बोला था कि जब शराब दिलवाई जाती है उस बीच वहाँ पे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी की गई है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको रीवा का शराब का जो नज़ारा है देखने का मिलेगा कि कैसा क्या निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूँ रीवा शहर के जो सिरमौर चौराहे में विदेशी मदिरा की दुकान है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे दारू जो है, शराब जो है बांटी जा रही है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 30-20-25 लोग दिख जाएंगे आपको। और हालांकि ये काफ़ी सही है बाकी जगहों से, दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लोग थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों लोग यहाँ पे दूर दूर खड़े नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की जो तस्वीरें निकल के आईं और कुछ तस्वीरें निकल के आईं हमें नैनीताल उत्तराखंड से, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की, यहाँ पे एक भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ के जा रहे थे। लेकिन मैं अपने शहर रीवा से, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिरमौर चौराहे में जो दारू की दुकान है, विदेशी मदिरा दुकान, तो यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। 13 कितने के? 1000 के भैया। 18 13 13। तो देख सकते हैं दोस्तों पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है कि लोग यहाँ पे भीड़ ना लगाएं। और मैं हूँ न्यू बस स्टैंड के पास जो विदेशी मदिरा की दुकान है वहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और पुलिस भी लगी हुई है, तो लोग यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो महंगाई है दोस्तों बढ़ा दी गई है, 70% ज़्यादा महंगी शराब बेची जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे लौट रहे हैं ये सोच के कि महंगी है शराब इसलिए उनके बजट में नहीं आ पा रहा है तो ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैसे भी करके शराब को छोड़ना नहीं चाहते, ले रहे हैं। बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 बोतल भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस वाले लगे हुए हैं। इसी बात पे एक अर्ज किया है दोस्तों, जल बिन मछली तड़प रहे थे जब नहीं खुली थी मधुशाला, बूंद बूंद को झड़प रहे थे जब नहीं खुली थी मधुशाला, मिले है मानो जन्नत जैसे, मिला है मानो जन्नत जैसे, जब से खुली है मधुशाला आग लगाएंगे अपनों को भी, जब से खुली है मधुशाला। तो गाइज मैंने अभी एक पुलिस वाले से ही बात किया, तो पुलिस वाले ने बताया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्लस सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। जो भी शराब लेने आता है उसको पहले उसके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है, तो उससे आप अपना हाथ साफ करते हैं फिर उसके बाद शराब लेते हैं, तो काफ़ी सही है। बाकी जगह से तस्वीरें काफ़ी ख़राब निकल के आती हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे रीवा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है जो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।